नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेठ जी के नुस्खे में। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसी कौन कौन सी आदतें होती हैं जो आने वाले धन को रोककर गरीबी और दुर्भाग्य को बढ़ाती हैं। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। दोस्तों वास्तुशास्त्र में ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका ध्यान रखें तो आपको नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के साथ साथ धन का लाभ भी मिलता रहेगा। इसके अलावा घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर वास्तु की इन 8 टिप्स को ध्यान में रखा जाए तो आपके परिवार को हर तरफ से लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो आने वाले धन को रोक देती हैं और घर में गरीबी और दुर्भाग्य को बढ़ाती हैं। नंबर 1, जिस अलमारी या तिजोरी में पैसा या कीमती सामान रखते हैं उसके पीछे या उससे सटाकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना धन की हानि करवाता है, इसलिए भूलकर भी अपनी अलमारी के पीछे या उसकी साइड में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से गरीबी और दुर्भाग्य हमारे घर में बढ़ने लगता है। नंबर 2, किचन में दवाइयाँ रखने की आदत वास्तु के अनुसार बिल्कुल गलत मानी जाती है। कुछ लोग किचन में दवाइयाँ रख देते हैं, लेकिन शायद आप इस बात को नहीं जानते कि किचन में दवाइयाँ रखना वास्तु के अनुसार बहुत ही गलत माना जाता है। ऐसा करने से परिवार के लोगों की सेहत में उतार चढ़ाव बना रहता है, इसलिए आज से ही ऐसा करना बंद कर दें। नंबर 3, बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को अनावश्यक खुला रखने पर घर और दुकान में लगातार पैसों का नुकसान होता रहता है, तो इसलिए बाथरूम और टॉयलेट अगर यूज़ में नहीं है तो इन्हें बंद करके रखना चाहिए, इनका दरवाज़ा खुला नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, घर की दीवारों और फर्श पर बच्चों को पेंसिल, चौक या कोयले से लकीरें नहीं बनने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से खर्च और उधारी बढ़ती रहती है, तो कोशिश करें कि बच्चे घर की दीवारों पर पेंसिल या चौक से लकीरें ना बनाएं या कुछ भी अनावश्यक ना लिखें। नंबर 5, घर के दक्षिण दिशा में एक्वेरियम या पानी से संबंधित कोई मूर्ति या शोपीस नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आमदनी कम होती है और खर्च बढ़ने लगता है। आपने कुछ लोगों को ये कहता हुआ सुना होगा कि आमदनी तो कम है लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है आपके घर में भी यही वास्तु दोष हो, तो इसे ध्यान में रखें और कोई भी एक्वेरियम या पानी से संबंधित कोई भी मूर्ति घर के दक्षिण दिशा में ना रखें। नंबर 6, घर या दुकान की उत्तर पूर्व दिशा को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, यानी कि घर या दुकान की उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी गंदगी ना रखें और ना ही कोई यहाँ पर डस्टबिन रखें। ऐसा होने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 7, पूजा घर कभी भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर में कलह, आर्थिक परेशानी और कई तरह की उलझनें आती रहती हैं। नंबर 7, घर में कांटे वाले, दूध निकलने वाले और विषैले पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए, इससे धन और स्वास्थ्य दोनों की हानि होती है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी आदतें जो हमारे घर में गरीबी और दुर्भाग्य को लेकर आती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फ़ायदा उठा सकें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।